हेलो एवरीवन वेलकम बैक अगेन दिस इज़ आरती शर्मा एंड योर वाचिंग स्टडी टेबल आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स न्यू इंग्लिश कोच बुक का सेकंड चैप्टर स्कूल वॉक्स इससे पहले मैंने फ़र्स्ट चैप्टर रस्किन बॉन्ड के स्टोरी के ऊपर बना चुका है वीडियो अगर आपने नहीं देखा है देन प्लीज़ डू वॉच आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा एंड चलिए हम सेकेंड चैप्टर जो कि स्कूल वॉक्स है उसे हम शुरू करते हैं एंड इवन बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से दैट आप प्लीज़ स्टडी टेबल को सब्सक्राइब करिएट में फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए उसको एंड अगर आपको अच्छा वीडियो लगता है तो दैन प्लीज़ हिट द बेलाइकन बटन एंड ऑल्सो गिव अ लाइक ओके चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं पहले देख लीजिए एक जैपानीज राइटर है जिसका लिखा हुआ बुक है द लिटिल गर्ल एट दंडो ओके ये बुक का नाम है और ये लिखा है इसने इस पर्सन ने लिखा है तेसुको कोरियोंगी एंड ये जो स्कूल वॉक जो हम पढ़ने वाले हैं ये इसी बुक में से लिया गया एक पार्ट है ओके okay? एक्सेप्ट मींस क्या होता है लिया गया पार्ट और ये एक जैपैनीज बुक है जैपैनीज़ बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ये स्टोरी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ये स्टोरी हमें क्या बताती है अनयूजल चीज़ों के बारे में बताती है यूनिक एडुकेशन के बारे में बताती है एंड द ऑथर गॉट एट तोमियो गैकुएन एंड एलिमेंट्री स्कूल इन तोकोयो तो जो ऑथर था इट मीन्स ये जो तैसुको कर्ंगी है इनको एक यूनिक तरीके से एडमिशन एडुकेशन uh, मिला था एलिमेंट्री स्कूल में जब ये पढ़ा करते थे जो कि तोकोयो में ही है और जिसको फाउंडर किया था इस नाम के पर्सन ने तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ये तब की बात है तो हमें इस, 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 इस स्टोरी में वैसा ही कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा अब मैं बताती हूँ यूनिक एजुकेशन क्या होता है देखिए जनरली हम बुक्स एंड पेन के थ्रू पढ़ाई करते हैं लेकिन जब हम बाहर जाकर ओपन में अलग तरीके से कुछ भी सीखे प्रैक्टिकल तरीके से तो हम उसको यूनिक एजुकेशन समझ सकते हैं द स्कूल एडवोकेटेड टीचिंग चिल्ड्रेन थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़ दैट कम्बाइंड लर्निंग विद फन फ्रीडम लव रिस्पेक्ट एंड कम्पैसन फॉर अदर्स एंड फॉर नेचर तो देखिए ये जो ऑथर जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में जो पढ़ाई होती थी उसमें बच्चों को जो सिखाया जाता था कैसे सिखाया जाता था लर्निंग को हमेशा डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ मर्ज करके सिखाया जाता था उस एक्टिविटीज़ में फन भी रहता था फ्रीडम भी रहता था लव रिस्पेक्ट कम्पैशन एंड नेचर के लिए लव रहता था इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि ऐसा ही कुछ ऑथर अपनी स्टोरी में लिखे हैं जिसको हम लोग समझेंगे अब देखिए ये जो स्टोरी है ये तोतो चैन की स्टोरी है तोतो हम तो एंड साको चैन बोल के दो लड़कियां हैं और उसके ऊपर ही ये स्टोरी लिखी गई है तो चलिए हम स्टोरी को पढ़ते हैं देखिए लंच के बाद तो, -तो चैन जो है जस्ट लंच खत्म ही हुआ था उसके बाद तो, -तो चैन खेल कर अपने क्लासरूम में रिटर्न आई थी ओके और वहाँ पर टीचर्स उसका वेट कर रही थी इट मींस डेट उसको आने में थोड़ा लेट हुआ था एंड टीचर्स पहले से ही क्लास में थी उसके बाद देखिए वो यू ऑल वर्कड हार्ड दिस मॉर्निंग टीचर ने क्या कहा सी साइड यहाँ पर शी टीचर के लिए आ रहा है टीचर ने कहा कि तुमने आज सुबह तुम सबने काफ़ी अच्छा हार्ड वर्क किया है तो तुम लोग बताओ तुम्हारा आफ्टरनून में क्या करने का इरादा है तो तो, तो चैन कुछ सोच समझ नहीं पाई थी कि एक्चुअली उसे क्या बोलना है बिकॉज टीचर पूछ रही थी कि तुम लोग को दोपहर में करना क्या है इतने में ही बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है अन एनॉनिमस साउट जो पूरा क्लास है उसमें से चिल्लाने की आवाज़ आती है और वॉक इट मीन्स सारे बच्चे दोपहर में क्या करना चाहते हैं वॉक पर जाना चाहते हैं ओके तो टीचर क्या बोलती है ऑल राइट right, टीचर बोलती है ठीक है तो देखो चिल्ड्रंस जितने भी थे ना वो सब डोर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं बिकॉज उनको वॉक पे जाना है तो तोतो चैन जो है यूजुअली अपने डैडी के साथ वॉक पर तो जाया करती थी रॉकी के साथ भी जाया करती थी एंड बट स्कूल वॉक के बारे में सुनकर उसे बहुत आश्चर्य होता है स्ट्राउड मींस का हो जाता है सरप्राइज ठीक है ग्रेटली सरप्राइज हो जाना तो उसे बहुत अजीब लगता है कि स्कूल वॉक मतलब क्या हुआ है बिकॉज वो पहले कभी गई नहीं है बट ऐसे भी उसको स्कूल वॉक पे जाना बहुत अच्छा लगता था तो वो वेट भी नहीं कर पा रही थी तो वो भी रेडी हो जाती है स्कूल वॉक पे जाने के लिए फिर बाद में उसको अपने फ्रेंड्स वगैरह से पता चलता है कि मैडम ने मॉर्निंग में कुछ टास्क लिखे थे ओके कहाँ लिखे थे वो भी बता रही हूँ देखिए मैडम ने मॉर्निंग में स्कूल में सुबह कुछ टास्क लिखे थे ब्लैक बोर्ड पर टास्क क्या होते हैं चैलेंजेस आपको ये बोला जाता है कि अगर आप सुबह से ये 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 करोगे आपको कुछ लिस्ट दी जाती है अगर आप उस लिस्ट को अच्छे तरीके से फुलफिल कर लेते हो तो आपको बाद में आफ्टरनून में वॉक पर लेके जाया जाता है तो यहाँ पर वैसे ही मैडम ने एक टास्क दिया था और अगर सब ने पूरा कर लिया है तो आपको आफ्टरनून में वॉक पर मैडम की तरफ से लेके जाया जाएगा इट वॉज द सेम वेदर यू वेयर इन द फर्स्ट ग्रेड और द सिक्स ग्रेड तो आप चाहे किसी भी क्लास में हो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट हो या फिर सिक्स क्लास के स्टूडेंट हो सबको एक ही साथ वॉक पर लेकर जाया जाता है तो सभी लोग जो है ना सब गेट पर पहुंच गए थे जितने भी नाइन क्लास के uh, जो फर्स्ट ग्रेड पीपल्स थे विद टीचर्स इन देयर मिडस्ट उस सब के सब पहुंच चुके थे एंड बिगेन वॉकिंग द एज ऑफ द स्ट्रीम स्ट्रीम क्या होता है रिवर और रिवर के किनारे पर बैंक क्या होता है किनारा ओके okay? तो वो जो एड जो था रिवर का जो किनारा था उसके ऊपर साथ साथ में वो लोग चलना शुरू कर दिए तो जो दोनों जो बैंक्स थे नदी के तो दो किनारे होंगे ना एक तरफ एक किनारा और दूसरे तरफ दूसरा किनारा वहाँ पर क्या थे बहुत सारे चेरी ट्रीज थे और जो फ्लावर्स थे ना वो फुल ब्लूम हो चुके थे फुल ब्लूम क्या होता है जब वो पूरे तरीके से ब्लूम हो जाए पूरे तरीके से खिल जाए और देखो जो फील्ड था इट मीन्स जो जो खेत बोल सकते हैं या फिर हम लोग कोई ग्राउंड बोल सकते हैं वहाँ पर क्या था येलो मस्टर्ड फ्लावर्स थे और जितने दूर तक स्टूडेंट्स देख सकते थे उतने दूर तक येलो फ्लावर्स ही दिखाई दे रहे थे द स्ट्रीम हैज़ लॉन्ग सिंस डिसअपियर और स्ट्रीम डिसअपयर हो चुका था डिसर मतलब जितनी दूर तक हम लोग देख पाते हैं स्ट्रीम को उतने दूर तक स्टूडेंट्स देख पा रहे थे उसके बाद अब स्ट्रीम नहीं दिखाई दे रही थी बिकॉज अब वो लोग बिल्डिंग्स एंड स्टोर्स क्राउड वाले एरिया में आ चुके थे तो अब नदी जो थी वो पीछे छूट गई थी और ये लोग आगे बढ़ चुके थे बट इन दोज डेज़ का वॉज मोस्टली फील्ड्स तो ये जो जियो का है ना ये वहाँ का सबसे फेमस समझ लो फील्ड हुआ करता था ओके देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, हुआ यहाँ पे वी गो एज़ फार एज कौनबोत्स्को टेम्पल आ, ये लोग कहाँ जा रहे हैं ये लोग जा रहे हैं कॉनबॉस को टेम्पल देखने के लिए और रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है उसको इंजॉय करते हुए चल रहे हैं सेट द गर्ल द रेबिट ऑन हर पैनफॉर ड्रेस देखिए पैनफॉर ड्रेस क्या होता है एक ऐसा ड्रेस जिसमें कि पहले ब्लाउज टाइप कुछ पहनते हैं भीतर टी शर्ट टाइप और उसके ऊपर से गाउन या फिर कुछ पहन लेते हैं जैसे मैं आपको दिखा दूँ देखो ये जो लड़की है ये वाली दिस पर्टिकुलर गर्ल इसने क्या पहना है भीतर कुछ है और उसके ऊपर कुछ गाउन टाइप का पहना है और इसके फ्रॉक के ऊपर ना रैबिट बना हुआ है ठीक है तो प्रॉपर एग्जैक्टली रियल रैबिट नहीं है उसके ड्रेस के ऊपर बना हुआ रैबिट है तो ये जो रैबिट जिसके जिसने जो ड्रेस पहना और उसके ऊपर रैबिट बना हुआ है उस लड़की का नाम क्या है साको चैन है और साको चैन क्या बोलती है हम लोग कॉनबोत्सु टेम्पल देखने के लिए जा रहे हैं और क्या बोलती है वी सॉ अ स्नेक बाई द पोंट देयर लास्ट टाइम तो वो बताती है कि जब लास्ट टाइम हम लोग गए थे तब हम लोग पॉन्ट के पास एक स्नेक भी देखे थे सेट साको चैन ऐसा साको चैन ने कहा देर इज एन ओल्ड वेल इन द टेंपल ग्राउंड विच दे से अ स्टार तो वो क्या बोलते हैं वहां पर एक पुराना ओल्ड वेल well भी है टेंपल में पुराना कुआं भी है और लोग ऐसा बोलते हैं कि उस कुएं में टूटता हुआ तारा आकर गिर चुका है उसके बाद चिल्ड्रंस देखिए आपस में बात करते हैं और बात करते करते वो लोग वॉकिंग करते रहते हैं द स्काई वॉज ब्लू एंड द एयर वॉज फिल्ड विद द फ्लटरिंग ऑफ बटरफ्लाइज तो जब स्टूडेंट्स बात कर रहे थे तो वो देख रहे हैं कि स्काई पूरी तरीके से ब्लू था और उसके साथ फ्लटरिंग बटरफ्लाइज मतलब बटरफ्लाइज जो थी वो फ्लटर करते हुए उड़ रही थी फ्लटर करना मतलब पंख फड़फड़ाते हुए ओके तो ये लोग करीबन करीबन टेन मिनट्स चलते हैं उसके बाद टीचर बोलती है स्टॉप तो सारे के सारे स्टॉप हो जाते हैं सी पॉइंटेड टू सम येलो फ्लावर्स एंड सैड लुक एट दीज मस्टर्ड फ्लावर्स उसके बाद टीचर जो है ना कुछ येलो फ्लावर्स की तरफ इशारा करती है और बोलती है इन येलो फ्लावर्स के तरफ देखो ये कौन से फ्लावर्स है मस्टर्ड फ्लावर्स है मस्टर्ड फ्लावर क्या होता है सरसों का जो खेत होता है ना जिससे हम लोग सरसों तेल बनाते हैं उसको मस्टर्ड फ्लावर बोलते हैं तो ये क्या बोलती है आपको पता है टीचर बोलती है कि ये जो फ्लावर्स है ये आखिर ब्लूम क्यों करती है तो देखिए टीचर उसके बाद फर्दर एक्सप्लेन करती है कि ये जो फ्लावर्स है ये ब्लू मिस करते हैं बिकॉज इसमें पिस्टल्स एंड स्टेमन्स होते हैं और ये क्या करते हैं ये जो फ़्लावर्स को एग्जामिन करते हैं बाकी स्टूडेंट्स जो रहते हैं जब टीचर बता रही होती है तब ये इसको एग्जामिन करते हैं अब हम देखते हैं कि पिस्टल्स एंड स्टेमन्स क्या होते हैं देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पिस्टल्स द पोर्सन ऑफ़ अ येलो फ्लावर वेयर सीड्स ग्रो एंड स्टेमन्स द पार्ट ऑफ अ फ्लावर दैट मेक्स एंड बियर्स द पॉलिन द फाइन येलो पाउडर मेड बाई फ्लावर्स प्लान प्लांट प्रोड्यूसलो रहता है एंड उसके बाद स्टेमिन क्या होता है, है, है? जो, जो बटरफ्लाईज वगैरह किसी भी फ्लावर पर बैठ कर और दूसरे फ्लावर को ब्लूम करने में जो हेल्प करती है उसको हम लोग स्टेमिन बोलते हैं ओके okay? तो देखिए यहाँ पर यह जो मस्टर्ड फ्लावर का पूरा फील्ड है तो टीचर वही एक्सप्लेन करती हैं कि बटरफ्लाइज़ वग़ैरह बैठती है उसके ऊपर और उसके बाद उसको ब्लूम करने में हेल्प करती है द टीचर टोल्ड देम हाउ बटरफ्लाइज़ हेल्प फ्लावर्स ब्लूम एंड इन डिट द बटरफ्लाइज सीम्ड वेरी बिजी हेल्पिंग तो देखिए हम लोग सोचते हैं कि तितली वगैरह जो है फ्लावर पर बैठ रही है बट तितली का भी एक्चुअली एक काम होता है और उसके थ्रू ही फ्लावर्स जो है कम्प्लीटली ब्लूम कर पाते हैं तो इसी चीज़ को टीचर यहाँ पर एक्सप्लेन करती है बटरफ्लाइज़ के बारे में एंड फ्लावर्स के ब्लूमिंग के बारे में आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा चलिए हम आगे पढ़ते हैं देन द टीचर सेट ऑफ़ अगैन और उसके बाद टीचर जो है वापस चलना शुरू कर देती है सेट ऑफ मीन क्या होता है बिगिन करना तो पहले वो रुक गई थी अब वो वापस चलना शुरू कर देती है और उसके बाद चिल्ड्रेंस भी इंस्पेक्टिंग करना बंद कर देते हैं बिकॉज अब वो कैसे फ्लावर्स को एग्जामिन कर सकते बिकॉज अब उनको आगे चलना है दे डोंट लुक लाइक पिस्टल दे अब देखिए अब ये जो ये लोग तो बच्चे हैं तो बच्चों जैसे ही बात करेंगे तो, तो, तो चैन जो है वो क्या पूछती है दैट uh, ये जो मैडम बोली कि पिस्टल्स लेकिन मैडम ने एक्चुअली कहा था पिस्टल्स है ना ये वाला वर्ड देखे पिस्टल्स लिखा हुआ है लेकिन ये बोलती है पिस्टॉल पिस्टॉल मीन्स क्या होता है गन पाउडर वगैरह जो बंदूक वगैरह यूज किया जाता है उसको तोतो -तो चैन डिडेंट थिंक सो इधर बट लाइक द अदर चिल्ड्रंस ही वॉज श्योर दैट पिस्टल्स एंड स्टेम्स वे आर वेरी इंपॉर्टेंट तो साको चैन जब तो, तो चैन से पूछती है कि तुमको लगता है ये जो फ्लावर्स में येलो येलो है ये पिस्टल्स जैसे दिख रहे हैं तो वो क्या बोलती है कि मुझे भी नहीं लगता है लेकिन

स्कैटर्ड हो जाते हैं स्कैटर्ड मींस बिखर जाना तो जितने भी चिल्ड्रेंस थे कोई इधर गया कोई इधर गया कोई इधर गया सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस टेम्पल को देखने के लिए आगे बढ़ जाते हैं तो देख उसके बाद देखिए ये जो स्टूडेंट्स हैं तोतो चैन एंड साको चैन ये क्या करती है शूटिंग स्टार को देखने के लिए जाती है कि हम भी देखेंगे कि टूटा तू, हुआ तारा कहाँ गिरा हुआ है ओके और वो लोग कुएँ की तरफ दौड़ पड़ती है देखने के लिए उसके बाद वो लोग देखते हैं उनको भीतर क्या दिखाई देता है एक स्टोन टाइप का दिखाई देता है एंड इट हैड अ वुड एन और वो देखती है कि ये जो कुआँ है उसके ऊपर एक लकड़ी का एक ढक्कन लगाया हुआ है वो उस कुएँ को उस ढक्कन को हटाती है और उसके बाद कुएँ के भीतर झाँकती है झाँकने के बाद तोतो चैन को क्या दिखाई देता है

दैट आफ्टर टिंकलिंग अबाउट इट फॉर अ while, सी सेड मे बी इट इज़ अ स्लिप तो हो सकता है कि तारा जो है ना करीबन करीबन घंटा भर चमका होगा और उसके बाद अभी वो सो गया होगा तो इस बात पर साको चैन को बहुत आश्चर्य होता है और वो अपनी बड़ी आँखों को बड़ा बड़ा कर लेती है और बोलती है डू स्टार स्लिप क्या स्टार स्लिप करते हैं क्या स्टार्स भी सो जाते हैं देन देखो तो, तो चैन क्या बोलती है कि हो सकता है तारे सो जाते होंगे बिकॉज़ वो दिन के टाइम में सोते हैं और रात को टाइम कर वो दिन रात भर जगते हैं तो तो चैन ने बिल्कुल एग्जैक्टली exactly तुरंत तुरंत ये आंसर दिया उसके बाद देखिए इस पैरा में क्या इंट्रोडक्शन दिया हुआ है दैट जितने भी बच्चे थे वो सबके सब वापस से टेंपल के ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते हैं एंड उसके बाद वो लोग लाफ करते हैं बिकॉज़ वो जो बेयर बैलीज जो थे जो टू डिवा किंग्स थे जो टेंपल के गेट के दोनों साइड खड़े थे उसको देख वो लोग हंसते हैं यू नो बच्चे हैं वो लोग इंजॉय कर रहे हैं देख रहे हैं उसको और उसके बाद बुद्धा का जो एक स्टैचू था जिसके आधे तरफ मतलब पूरी तरीके से उजाला पड़ रहा था और आधा वो डार्कनेस में था मेन हॉल में उसको भी वो लोग देखते हैं उसके बाद देखो यहाँ पर ये यह जो वर्ड आया है तेंगू तेंगू बोलकर एक गॉब्लिन हुआ करता था अब गॉब्लिन क्या होता है गॉब्लिन मीन्स एक स्मॉल फेरी टेल में जो क्रिएचर होते हैं यू ना जो परी होते हैं या फिर जो अलग अलग जो बैड एंजल्स होते हैं तो वैसा गॉब्लिन बोलकर एक एंजल था एंजल ही बोलेंगे उसको तो उसका क्या था एक फ़िट बना हुआ था ओके और ये लोग अपना फिट अपना पाँव जो है उस पाँव के छाप के भीतर रखते हैं और उसके बाद वो लोग पौंड के चारों तरफ हेलो बोलते हुए चिल्लाते हैं और बिकॉज जो रोबोट्स में जो जो छोटी छोटी नाव रहती है उसमें जो पर्सनस जो रहते हैं वो जा रहे होते हैं तो उसको देख वो लोग इंजॉय करते हैं और उसके बाद वो लोग हॉप भी खेलते हैं अब ये हॉप क्या होता है देखिए जो आ, ये हो सकता है इंडिया में भी फेमस हो रोड वगैरह पर कुछ ऐसे टेबल वगैरह बनाकर उसमें नंबर्स लिखकर बच्चे खेलते हैं ओके तो आ, मैं आपको इसकी इमेज भी दे दूंगी इमेज से आपको समझ में आ जाएगा साइड में इमेज लगी हुई है और देखकर समझिए ये हॉप स्कॉच होता है तो ये हॉप स्कॉच भी खेल रहे थे और उसके बाद बहुत इन्जॉय करते हैं ये एवरी थिंग वॉज न्यू टू तोतो चैन तोतो चैन के लिए ये सब कुछ पूरी तरीके से न्यू था उसने कभी भी इतने एक्साइटमेंट के साथ कुछ भी डिस्कवर नहीं किया था एक्सप्लोर नहीं किया था ओके okay? अब अचानक से मैडम आती है और मैडम आकर बोलती है दैट इट्स टाइम टू गो बैक अब वापस चलने का टाइम आ गया है बिकॉज अब सूरज क्या है ढलने वाला है ओके सन बिगिन टू डिप सूरज डूबने वाला है उसके बाद ये लोग उसी रास्ते से जाते हैं जिस रास्ते से ये लोग आए थे लिटिल डिड द चिल्ड्रेन रियलाइज दैन दैट दीज वर्कस तो चिल्ड्रेन जो है ना बहुत कम रियलाइज़ कर पाए एक्चुअली कि उन्होंने क्या क्या सीख लिया था बिकॉज वो लोग तो फ्रीडम एंड लव के साथ खेल रहे थे इन्जॉय कर रहे थे बट एक्चुअली उन्होंने साइंस भी सीखा हिस्ट्री भी सीखा एंड बायोलॉजी भी सीखा बिकॉज़ पॉलिनेशन क्या होता है ये सब स्टडी है एंड हिस्ट्री से रिलेटेड बुद्धा वगैरह को देखना इंजॉय करना और उसके बाद में सीखना तो उनको पता भी नहीं चला और उन्होंने इतना

और जब वो लोग रिटर्न आते हैं तो देखते हैं बटरफ्लाई वैसे ही बिजी है जैसे कि वो लोग पहले बिजी थी सॉन्ग ऑफ बर्ड्स फील्ड और पूरे रास्ते में पूरे एयर में सराउंडिंग में बर्ड्स की जो सिंगिंग जो आ, साउंड है वो सुनाई दे रहा था तो, तो चैन हर्ट वॉज ब्रस्टिंग विद जॉय और तोतो तो तो चैन को इतना अच्छा लग रहा था कि वो बहुत इंजॉय रही थी उसके दिल में खुशी ही खुशी थी तो ये हमारी स्टोरी थी तोतो चैन की अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है देन प्लीज हिट द बेलाइकन बटन और मुझे कमेंट कमेंट करके बताइए कि आपको यह चैप्टर कैसा लगा